नमस्कार दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक और महान गेंदबाज खिलाड़ी शेन वार्न ने सिडनी में भारत के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। उन्होंने 150 रन देने के बावजूद वार्न रवि शास्त्री को आउट करके अपना पहला टेस्ट विकेट लेने में सफल रहे। क्रिकेट जगत को कम ही पता था कि वार्न आगे चलकर खेल के इतिहास में अपनी महान स्पिन गेंदबाजों से बहुत सारे खिलाड़ियों को परेशान करेंगे। आज ही के दिन 2 जनवरी 1978 को भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरी पारी में के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 182 रन बनाए, जिसके बाद उन्होंने हरेक मैच में प्रत्येक पारी में 3 बार शतक लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज बने। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।